गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन चालू करेंगे फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा ओके। पॉरी मीन्स होता है छिद्रित और फेरा मतलब होता है बॉडी। तो बॉडी कैसी है? छिद्रित। और फेरा मीन्स क्या है? बॉडी। तो बॉडी कैसी है इसकी? छिद्रित। शरीर, बॉडी और शरीर, तो इनका शरीर कैसा होता है? छिद्रित होता है। इसका मतलब इसमें ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। कौन से छिद्र है? ऑस्टिया। ठीक है, इनके जो छिद्र का नाम क्या होता है? ऑस्टिया। तो वो ऑस्टिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और देखो मैं एक डायग्राम से बना देती हूँ आपको, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ऑस्टिया, दिस वन पिनेको डर्म। और अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? कोएनोडर्म। यानी ये कैसे होते हैं? ये द्विस्तरीय होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इनके बीच क्या भरा हुआ रहता है? मेसेनकाइम। दो लेयर होती है इसमें भी, ठीक है, द्विस्तरीय होते हैं। और इसमें जो गुहा होती है उसका नाम क्या होता है? स्पंजोसील। स्पंजोसील गुहा इसमें प्रेजेंट होती है। और किसके द्वारा पानी बाहर निकलता है? ऑस्कुलम। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी बताती हूँ क्या है। तो पॉरीफेरा का मतलब होता है छिद्रित शरीर, यानी इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको पॉरीफेरा कहते हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है? स्पंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉरीफेरा को किस नाम से जानते हैं। पॉरीफेरा के जंतु कैसे होते हैं? सबसे मेन कैरेक्टर इसका, ये द्विस्तरीय होते हैं। द्विस्तरीय, द्विस्तरीय का मतलब दो लेयर। कौन कौन सी दो लेयर? देखो, आउटर लेयर पिनेकोडर्म कहलाती है, ये आउटर लेयर है, ये क्या कहलाती है? पिनेकोडर्म। अंदर वाली लेयर कोएनोडर्म कहलाती है। इन दोनों के बीच क्या पड़ा, क्या उपस्थित होता है? मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है। और इस मेसेनकाइम में बहुत कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं। कौन सी सेल होती है इसमें? पिनेकोसाइट सेल, ठीक है। इसमें पिनेकोसाइट को नाम ही है पिनेको, तो साइट साइट लग जाता है ना सेल के लिए, तो पिनेकोसाइट सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। और कोएनोडर्म में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? कोएनोसाइट या कॉलर सेल। याद रखना, इसमें कॉलर सेल के नाम से इसको ज़्यादा पूछा जाता है, ना कि कोइनोसाइट और कोइनोसाइट के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। कौन सी? कि इसमें कौन सा सेल होती है? तो कॉलर सेल। कॉलर सेल इसकी इंपॉर्टेंट है कि कोइनोसाइट, और कोइनोसाइट ने किसको घेर रखा है? अंदर की तरफ जो कैविटी है उसको बोलते हैं स्पंजोसील। तो इसके अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी का नाम क्या है? स्पंजोसील, ठीक है। तो कैविटी कौन सी है इसमें? स्पंजोसील कैविटी होती है। तो वाटर कहाँ से आता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज द्विस्तरीय, बाहर पिनेकोडर्म जिसमें पिनेकोसाइट सेल है, अंदर की तरफ कोइनोडर्म जिसमें कोइनोसाइट सेल है। और इन दोनों के बीच क्या होता है? मेसेनकाइम होता है, जिसमें कई प्रकार की सेल पाई जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती है आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट सेल एक टोटिपोटेंट सेल्स है, यानी अविभेदित कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं? ये अविभेदित है ना। अविभेदित का मतलब जो कि नई कोशिकाओं का निर्माण करने की क्षमता रखती है, ये अविभेदित सेल है आर्कियोसाइट। इसके अलावा और कौन सी? बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेल्स है मैं इन्हीं का नाम ज़्यादा बता रही हूँ। स्कैलरोब्लास्ट सेल्स, ये क्या करती है? ये कंकाल का निर्माण करती है, यानी कंटिकाओं का फॉर्मेशन करती है। ये स्कैलरोब्लास्ट सेल है, ये किसका फॉर्मेशन करेगी? कंटिकाओं का
फॉर्मेशन करती है, क्लियर है, तो ये कंटिकाओं का निर्माण करती है। तो ये इसके अंदर अब दो हो गया दूसरा कैरेक्टर कि ये कैसे होते हैं, जो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कैसे समुद्र में उपस्थित होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। देखो आपको डायग्राम से बताते हैं कौन सा, ये जो स्पॉन्जिला है ये कौन सा है, स्पॉन्जिला है, और ये जो स्पॉन्जिला होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, समुद्र में उपस्थित, लेकिन कुछ कहाँ प्रेजेंट है, लेकिन कुछ स्वच्छ जलीय यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, ठीक है, स्पॉन्जिला। अब सारे अपन ने पढ़ा है कल रेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इससे पहले वर्गीकरण का आधार, तो वर्गीकरण के आधार में मैंने बताया था इनका शरीर किससे मिला हुआ है, फाइलम पॉलीफेरा है, तो शरीर किससे मिलकर मिला, कोशिकाओं से। तो शारीरिक संगठन किस प्रकार का है, कोशिकीय प्रकार का, शारीरिक संगठन कैसा है, कोशिकीय प्रकार का, यानी पूरी बॉडी कोशिकीय होती है, मल्टी सेलर होते हैं, याद रखना आदिम मल्टी सेलर, प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब वो है इसका, फिर भी आदिम, आदिम मतलब प्रिमिटिव, सबसे पुराने मल्टी सेलर कौन है, पॉलीफेरा, बहुकोशिकीय, ठीक है, जंतु, क्लियर। तो आदिम मल्टी सेलर एनिमल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा प्रकार का शारीरिक संगठन है, तो कोशिकीय प्रकार का, और इनका जो कैसे होते हैं, ये प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर क्या है कि इसमें क्या उपस्थित होते हैं, इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जल नाल तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, यानी जल नाल तंत्र उपस्थित। क्या काम होता है, जल लगे, ये जल नाल तंत्र है, वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या होता है कि इसमें ऑस्टिया के थ्रू क्या जाते हैं, इस ऑस्टिया के थ्रू, यहाँ से इतने सारे ऑस्टिया दिख रहे हैं, ये सब ऑस्टिया है ना, ये सब ऑस्टिया है, लिख रखा है कि नहीं मैंने, हाँ ये रहा ऑस्टिया, ठीक है, इस ऑस्टिया के द्वारा पानी अंदर प्रवेश करता है और स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम के द्वारा बाहर चला जाता है। अब क्या होता है कि जब वाटर करंट अंदर आती है तो उस वाटर करंट के साथ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन भी होती है, तो उस ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। पानी के साथ क्या होता है, कुछ वगैरह में छोटे छोटे एनिमल्स, माइक्रो एनिमल्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वगैरह भी होते हैं, उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, और फिर अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को यानी अपने उत्सर्जी पदार्थ को ऑस्कुलम के द्वारा बाहर भी निकाल देते हैं। इसके अलावा कुछ गैमेट्स भी पानी के द्वारा आते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो इसलिए क्या, ये जो जल नाल तंत्र है उसका काम क्या हुआ बच्चों, उनका काम हुआ, इसका काम हुआ, इसका काम क्या हुआ, सबसे पहले जल नाल तंत्र का वाटर कैनाल सिस्टम, इस वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या हुआ, श्वसन, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, पोषण और लिख देती, चलो इधर ही लिख देते पोषण, ठीक है, और जनन, ये सारे काम कौन करता है, वाटर कैनाल सिस्टम। इनके लिए, इनके श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होते, आगे ना, शरीर की सतह के द्वारा होता है और वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें, वाटर कैनाल सिस्टम के बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फ्रेश वाटर स्पंज के बाद नेक्स्ट समिति कौन सी होती है इसमें, अरीय समिति पाई जाती है, कौन सी समिति पाई जाती है, अरीय समिति, सॉरी ए सिमेट्री प्रेजेंट होती है। क्या मतलब होता है ए सिमेट्री का, कि जब ए सिमेट्री प्रेजेंट होती है, असमिति पाई जाती है, यानी जब जंतु को केंद्र के किसी भी केंद्र के किसी भी अक्ष से काटा जाता है तो उसके दो बराबर भाग नहीं होते, आगे ना, तो इसमें सम्मिति कौन सी, ए सिमेट्री, असम्मिति प्रेजेंट होती है, ठीक
क्लियर। लेकिन ल्यूकोसोलिनिया जो है उसके अंदर कौन सी समिति होती है, उसमें अरीय समिति होती है। ल्यूकोसोलिनिया में अरीय समिति प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये अपवाद है, अरीय समिति इसमें पड़ जाती है। क्लियर, ठीक है। तो ये इसके अंदर सिमेट्री का हो गया, वाटर कैनाल सिस्टम का हो गया। इसमें जो क्या नाम है, ये देखो आपको एक डायग्राम से बताती हूँ, वाटर कैनाल सिस्टम का डायग्राम। वाटर कैनाल सिस्टम ये रहा, देखो पूरा एक डायग्राम दिखा रखा है। मैंने तुमको बताया था ना कि अंदर की तरफ कौन सी सेल थी, कॉलर सेल। तो बच्चों ये कॉलर सेल्स है, ये आपको दिख रही है, ये सारा स्ट्रक्चर ही दिख रहा है ना, ये सब कॉलर सेल्स होती हैं। कॉलर सेल फ्लैजिलेटेड होती हैं। तो आपसे कोई पूछे कि स्पंजोसील के अंदर की तरफ कौन सी सेल है, तो ये स्पंजोसील कैविटी है। ये वाली पूरी कैविटी कौन सी, स्पंजोसील, और इसके अंदर की तरफ कौन सी सेल है, कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती है। और ये सारे ऑस्टिया है, ये वाटर फ्लो लिखा हुआ है ना, ये ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है और स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये ऑस्कुलम और इसके द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर है। तो ये इसका क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, वो वाटर कैनाल सिस्टम है। और याद रखना कॉलर सेल कैसी होती है, ये आपको दिख रहे हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इसमें फ्लैजिला, यानी इसमें क्या प्रेजेंट होती है, कॉलर सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। बाहर की तरफ इसमें देखो, इसी को लिख रहेगा ना, कोइनोसाइट सेल और कॉलर सेल्स होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट होती है। और बाहर की तरफ पिनेकोडर्म, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इनविजन का ही प्रेजेंट होती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, किसका, वाटर कैनाल सिस्टम का। तो अरे समिति हो गई है ना। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन हो गया, इसमें रीजनरेशन की पावर भी पाई जाती है। कैसा पावर होती है, रीजनरेशन की, तो पुनरुद्भवन की क्षमता प्रेजेंट होती है। रीजनरेशन, रीजनरेशन उपस्थित। कंकाल आंतरिक होता है, स्केलेटन आंतरिक। स्केलेटन कैसा है, आंतरिक। किससे बना हुआ है, वो बना हुआ था कंटिगाओं, और स्पॉन्जिंग फाइबर्स या दोनों से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो कंकाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कंकाल कैसा होता है, कंकाल इसमें आंतरिक होता है, ठीक है। कंकाल कैसा है इसके अंदर, कंकाल इसमें आंतरिक होता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, किससे बना हुआ है, कंटिगा तथा स्पॉन्जिन फाइबर से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, इसलिए न्यूट्रिशन पानी की धारा के साथ, एक वाटर करंट आती है उसमें से न्यूट्री जो फूड्स आते हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो इसमें डाइजेशन यानी पाचन कैसा होता है, अंतराकोशिकीय, इंट्रा सेलुलर। पाचन कैसा है, इंट्रा सेलुलर। क्लियर, पाचन अंतराकोशिकीय होता है। जनन निषेचन फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, पहले इसमें रिप्रोडक्शन, जनन कैसा होता है, जनन दो टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल यानी अलैंगिक, ठीक है, और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल किसके द्वारा होगा, एसेक्सुअल होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसको क्या बोलते हैं, विखंडन, है ना। और दूसरा जिम्यूल्स, जिम्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, जिम्यूल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, गैमेट्स के द्वारा, यानी गैमेट मतलब मेल और फीमेल गैमेट होते हैं ना, उनके द्वारा होता है। जिम्यूल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिम्यूल्स क्या है, ये जो जिम्यूल्स होते हैं, ये जिम्यूल्स क्या करते हैं, ये फैल जाते हैं, मतलब डिस्पर्सल हो जाते हैं, इसीलिए इन जिम्यूल्स को क्या बोलते हैं, इन जिम्यूल्स को बोलते हैं स्पोर्स ऑफ पॉरीफेरा। क्या बोलते हैं इनको, स्पोर्स ऑफ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के स्पोर कौन है, तो जिम्यूल्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और जिम्यूल का निर्माण कौन करता है, आर्कियोसाइट सेल्स। गैमेट का फॉर्मेशन कौन करता है, आर्कियोसाइट सेल्स। तो आपसे कोई पूछे कि नई कोशिकाओं का निर्माण या जनन कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आर्कियोसाइट सेल के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, निषेचन, है ना, निषेचन आंतरिक, फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है। लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, निषेचन आंतरिक और
यानी डेवलपमेंट विकास इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है, जब लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष, ठीक है। और जो डेवलपमेंट डायरेक्ट का लार्वा कौन सा है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, कौन सा लार्वा है इसका, एम्फीब्लास्टुला। और दूसरा पैरेन्काइमुला, दो लार्वा होते हैं इसके, एक तो ये और एक ये, ठीक है, ये दो मेन लार्वा इसके प्रेजेंट होते हैं। ये कौन सा स्पंज है, स्पॉन्जिला, कैसा है, फ्रेश वाटर स्पंज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, उसके उदाहरण कौन कौन से उदाहरण है, पहला इसका देखो, आपको डायग्राम से ही बता देते हैं, ये कौन सा है, ये यू स्पॉन्जिया है, ठीक है, ये यू स्पॉन्जिया। दूसरा स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पॉन्जिया जो पहले देखा था आपने, ये जो पहले इससे पहले वाला जो देखा था यू स्पॉन्जिया, ये कैसा होता है, इसको बाथ स्पंज भी कहते हैं, नहाने में जो स्पंज यूज करते हैं वो यही होता है, ठीक है ना, तो बाथ स्पंज। दूसरा कौन सा है, स्पॉन्जिला, इसको फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। और तीसरा यूप्लेक्टेला, इसका नाम क्या है, यूप्लेक्टेला, मैं एग्जाम्पल लिख भी देती हूँ, ठीक है, लेकिन बता रही हूँ यूप्लेक्टेला, जिसे क्या बोलते हैं, वीनस की टोकरी या वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट, या वीनस हिंदी में बोलूँ तो वीनस की टोकरी। इसको कहाँ गिफ्ट में दिया जाता है, जापान में शादियों में उपहार में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है जापान के अंदर शादियों में, क्योंकि इसके अंदर मेल, ये यूप्लेक्टेला है, दिख रहा है ना कितना सुंदर है, इसको शादियों में क्या देते हैं, गिफ्ट में देते हैं। और इसको क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जापान में शादी में गिफ्ट दिया जाता है, शादी है ना, शादी में गिफ्ट क्यों देते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल श्रिम्प, मेल व फीमेल श्रिम्प, श्रिम्प क्या है, SHRIMP, श्रिम्प क्या है, आर्थ्रोपोड्स है, वो आजीवन साथ रहते हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं, साथ रहते हैं, इसीलिए इसको जापान में उपहार में देते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तीन हो गए ना, बस बहुत है, दो तीन तीन एग्जाम्पल, और एक और है साइकॉन, तो उसके उदाहरण कौन कौन से हुए बच्चों, पॉलीफेरा के साइकॉन, जिसे आप साइफा भी बोल सकते हो, ठीक है, साइकॉन और साइफा, नंबर एक। नंबर दो यू स्पॉन्जिया, जो आपको मैंने पहले दिखाया था सबसे पहले, ठीक है, यू स्पॉन्जिया, इसका क्या नाम है, यू स्पॉन्जिया का, देखो ये रहा यू स्पॉन्जिया, ये रहा ए यू स्पॉन्जिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, बाथ स्पंज, ठीक है, बाथ स्पंज। तो दूसरा नंबर दो, एक तो ये हो गया, दूसरा यू स्पॉन्जिया, इसका दूसरा नाम क्या है, बाथ, नहाने में जो यूज होता है ना उसको बाथ स्पंज, ठीक है, क्लियर है। दूसरा तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है, यूप्लेक्टेला, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यूप्लेक्टेला, ठीक है, ये यूप्लेक्टेला, जिसका दूसरा नाम ये लिखा ही है आपके पास। चौथा कौन सा है, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज, अलवण जलीय स्पंज, अलवण जलीय स्पंज, क्लियर। एक क्वेश्चन बहुत आ चुका है नेट में, जबकि आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, प्रोटेरो स्पॉन्जिया, प्रोटेरो स्पॉन्जिया, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये किसके बीच की कनेक्टिंग लिंग है, ये कनेक्टिंग लिंग है ये प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच की कनेक्टिंग लिंग है, ये क्या है, कनेक्टिंग लिंग, प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच की कनेक्टिंग लिंग है,
कनेक्टिंग लिंक लिख दिया मैंने, ठीक है। योजक कड़ी है किस किस के बीच की, प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा। तो ये समझना है आपको। अब देखो अपन वापस से एक बार रिपीट कर ले, ठीक है। जनरल पहले वाला भी बता दिया था तुमको, बताया ही था पॉलीफेरा पढ़ने से पहले मैंने एनिमलिया बताया था। एनिमलिया के अंदर प्रोटोजोआ जिसके अंदर यूनिसेलुलर ए सेलुलर, ए सेलुलर मतलब अकोशिकीय, अकोशिकीय का मतलब क्या होता है कि ऐसा एनिमल जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं जो कि एक बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है, क्लियर। मेटाजोआ, मेटाजोआ का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बहुकोशिकीय एनिमल है ना। और पैराजोआ में कौन आता है, इसकी दो ब्रांच है पैराजोआ और यू मेटाजोआ। पैराजोआ में पॉरीफेरा ये अलग ही गया, एक बिल्कुल अलग से शाखाओं में बैठ गया। यू मेटाजोआ रेडिएटा जिसमें बाई रेडियल सिमिट्री होती है। देहगुआ कौन सी होती है, ए सिलोमेट। फाइलम कौन सा है, सिलेंड्रेटा। दिस वन इज द सिलेंड्रेटा ए सिलोमेट। सिमिट्री कौन सी, अरिय समिति, ठीक है। वायलेट्रिया में कौन सी सिमिट्री, दीपार समिति। और ये अपन ने बता दिया सिलेंड्रेटा। ये तो हुआ जनरल था। अब अपन पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब था छिद्रित शरीर, यानी बॉडी पर बहुत सारे छिद्र प्रेजेंट होते हैं और उन पोर को अपन क्या कहते हैं, उन पोर को अपन कहते हैं ऑस्टिया। समझ गए, क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, ठीक है। इसके अलावा ये कैसे द्विस्तरीय होते हैं, दो स्तर कौन से, बाहर पिनेकोडर्म अंदर कोइनोडर्म, और इन दोनों के बीच मेजेनकाइम। मेजेनकाइम में कई प्रकार की सेल्स हैं, आर्कियोसाइट सेल जो कि अविभेदित कोशिका यानी नई सेल का निर्माण कर सकती है। फिर इसके बाद स्कैलरोब्लास्ट सेल जो कि कंटिकाओं का निर्माण करती है। सिथीजोसाइट सेल्स हैं, अमीबोसाइट सेल्स हैं, क्रोमोसाइट सेल, कई प्रकार के, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, गुहा, और उस गुहा का नाम क्या है, स्पंजोसील, या इसी स्पंजोसील का दूसरा नाम है पेरीगैस्ट्रिक गुहा। तो आपसे कोई पूछे कि पॉरीफेरा के अंदर कौन सी गुहा प्रेजेंट होती है, तो पेरीगैस्ट्रिक गुहा या स्पंजोसील प्रेजेंट होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक और सबसे इंपॉर्टेंट, शारीरिक संगठन किस प्रकार का, सेलुलर यानी कोशिकाओं से बना हुआ रहता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पॉरीफेर कौन से फाइलम के जंतु प्रिमिटिव मल्टी सेलर है, तो पॉरीफेरा के, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इनके अंदर कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। ये वाटर कैनाल सिस्टम है, और इसमें देखो इसको अपन डायग्राम से एक और बार देख सकते हैं, दूसरा वाटर कैनाल है ना, ये देखो वाटर कैनाल सिस्टम, ये वाटर कैनाल सिस्टम जिसमें बाहर पिनेकोडर्म अंदर कोइनोडर्म। पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट सेल दिख रही है आपको, इतनी सारी सेल्स ये दिख रही है ना, इस तरह की हेक्सागोनल ये पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं। अंदर की तरफ कोइनोडर्म में कोइनोसाइट सेल यानी कॉलर सेल्स, याद रखना बच्चों कॉलर सेल, कोइनोसाइट कम नाम आता है, कॉलर सेल ज्यादा होता है। नहीं तो कौन कॉलर सेल कहाँ है, इस स्पंजोसील की अंदर की तरफ कौन सी सेल है, यानी स्पंजोसील किससे घिरा हुआ है, कोइनो साइड सेल से या कॉलर सेल से, और इन दोनों के बीच मेजेनकाइम। वाटर इन ऑस्टिया की दिखे आपको, ये सारे ऑस्टिया है, इन ऑस्टिया के द्वारा अंदर आया और ऑस्कुलम के द्वारा होता हुआ बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये इसका क्या था, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अब अपन पढ़ रहे थे कि इनमें समिति कौन सी होती है, ए सिमिट्री प्रेजेंट होती है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट। क्या काम करता है वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि वाटर करंट आती है तो उसके साथ भोजन के रूप में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको ही भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, यानी पोषण का कार्य करता है। श्वसन का कार्य करता है, क्योंकि पानी के अंदर क्या घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण कर लेता है। और उत्सर्जी पदार्थ यानी जब ये वाटर करंट ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है तो ये उत्सर्जी पदार्थों को उसमें डाल देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जनन कुछ गैमेट्स वगैरह जो होते हैं वो जनन के द्वारा वो आते हैं पानी की धारा के साथ में, तो उनकी उसमें जनन में भी ये हेल्प करते हैं। सिमिट्री, ए सिमिट्री होती है, असममिति होती है, लेकिन इसका अपवाद कौन है, इसका अपवाद कौन है, ल्यूकोसोलेनिया जिसमें अरिय सममिति पाई जाती है, और इसमें स्केलेटन आंतरिक होता है, कंटिका और स्पंजिन फाइबर से बना हुआ रहता है। पाचन अंतराकोशिकीय यानी इंट्रा सेलुलर। जनन ए सेक्चुअल किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा। ए सेक्चुअल किसके द्वारा है, विखंडन, ठीक है ना, इसको विखंडन बोलते हैं, ये विखंडन के द्वारा होता है। और सेक्सुअल गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। इसके अलावा इससे इंपॉर्टेंट चीज है ये जिम्यूल्स, जिम्यूल्स क्या है, जिम्यूल्स पॉरीफेरा के स्पोर्स कहलाते हैं जो कि डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे बीज फैलते हैं ना, और क्या नाम है, ये ऐसे ही जिम्यूल फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, इसीलिए इसको पॉरीफेरा के क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। और ये जिम्यूल्स के द्वारा भी क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी अलैंगिक जनन
होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसके अंदर, निषेचन आंतरिक। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है। तो लार्वा कौन सा, एक तो एम्फीब्लास्ट वाला लार्वा और दूसरा पैरेन्काइम वाला, दो लार्वा इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या हुआ, पॉरीफेरा। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो क्लियर है आपको, पूरे अच्छे से समझ में आया। थैंक यू, थैंक यू।